नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। और श्रीकांत शर्मा जी, क्या कुछ चल रहा है आजकल? हम देख रहे हैं कि गतिविधियां बड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं। सरकार है और संगठन है, अपनी उसकी गतिविधियां चलती रहती है। तो क्या परिदृश्य नज़र आ रहा है? परिदृश्य बहुत स्पष्ट है और पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक वातावरण है। प्रचंड बहुमत से 2019 में नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पुनः बनने वाले हैं और सब लोग में बहुत उत्साह है। और जो गठबंधन हो रहा है देश में, वो हम अच्छा काम कैसा नजर आ रहा है? हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसका प्रतीक है कि जो लोग अलग अलग चुनाव लड़ते थे वो मिलकर लड़ रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको इकट्ठा होना पड़ रहा है, निश्चित रूप से। और यहाँ पर अब आप बताएंगे कि परिदृश्य क्या रहने वाला है स्थानीय इस लोकसभा सीट पर? मैंने कहा ना आपसे, हमने 80 की 80 लोकसभा सीट जीतकर देश में नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः और मजबूती से प्रधानमंत्री बनाना है। यहाँ पर टिकट किसको मिलने जा रही है? ये हमारे यहाँ सर्वोच्च संस्था है पार्टी की, वो तय करती है। और सुनने में आ रहा है मंत्री जी, आप भी कहीं लाइन में हैं, कतार में हैं टिकट की में? धन्यवाद। और सुनने में आ रहा है मंत्री जी, आप भी कहीं लाइन में हैं, कतार में हैं टिकट की में? धन्यवाद। इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे मंत्री जी। तो श्रीकांत शर्मा हमारे साथ रहे, आपने समझा ही कि जो सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं उनका आपने बयां किया है यहां पर। और जो मुख्य बिंदु है इस वक्त, जिसकी जिज्ञासा है लोगों के मानस पटल पर, उसका जवाब नहीं है कि कौन होगा यहां का प्रत्याशी और क्या स्वयं भी कतार में हैं, इस बात का कोई जवाब नहीं। बस टीवी टुडे इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट साथी चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।